नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होम रेमेडीज फॉर इंडाइजेशन। इंडाइजेशन कई बार ज्यादा स्पाइसी खा लेने से या ज्यादा खाना खा लेने से होता है। चलिए डिस्कस करते हैं अपचन के घरेलू नुस्खे। हमारी पहली और बहुत इफेक्टिव होम रेमेडी है जीरा, या जिसे हम क्यूमिन सीड्स भी कहते हैं, जो कि भूख बढ़ाने में मदद करती है। इसे यूज करने के लिए आप एक कप पानी में एक चम्मच जीरा उबाल ले, फिर इस पानी को पी ले। आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ये इंडाइजेशन में, एसिडिटी में, हार्ट बर्न और गैसेस की तकलीफ में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा जीरा या क्यूमिन सीड्स के और भी अधिक फायदे हैं, जैसे कि ये डायरिया को ठीक करने में मदद करता है। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है, शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और वेट लॉस में भी लाभकारी है। हमारी अगली रेमेडी है बटर मिल्क, यानी कि छाछ। बटर मिल्क डाइजेशन के लिए बहुत लाभकारी है। बटर मिल्क जो एसिड बना है पेट में, उसे न्यूट्रलाइज करता है और बॉडी में ठंडक पहुंचाता है। अगली रेमेडी है अजवाइन, यानी कि कैरम सीड्स। ये अपचन में, गैस में और पेट दर्द में बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। इसे यूज करने के लिए आप एक चम्मच अजवाइन में जरा सा काला नमक मिलाकर हल्के गर्म पानी के साथ इसे निगल लें। इसे चबाना नहीं है, डायरेक्टली निगलना है। अगर अपचन के कारण आपका पेट दर्द हो रहा है तो आपको 10 मिनट के अंदर ही इसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा। इसके अलावा अजवाइन के और भी कई अधिक फायदे हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, बीपी को कम करता है और इंडाइजेशन में भी मदद करता है। हमारी अगली रेमेडी है सौफ, यानी कि फेनल सीड्स। पाचन तंत्र के लिए सौफ बहुत लाभकारी है। आपको इसे कैसे यूज़ करना है, आपको सौफ का पानी बनाना है, सुबह खाली पेट इसे पीना है। एक चम्मच आपको सौंफ लेनी है और एक गिलास गर्म पानी में उसको उबालना है, छानना है और खाली पेट सुबह इसे पीना है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनके लिए बहुत लाभकारी है सौंफ। इसके अलावा सौंफ के और भी अधिक बेनिफिट्स हैं, जैसे कि जो मुंह में से बदबू आती है उसे क्लियर करता है, ओके, डाइजेस्टिव हेल्थ इम्प्रूव करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, प्यूरीफाई करता है ब्लड को, जिसके कारण स्किन ग्लोई दिखती है, चमकती है। हमारी अगली होम रेमेडी है फेनुग्रीक सीड्स, या जिसे हम मेथी दाने के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही वंडरफुल होम रेमेडी है, जो कि स्टमक एक्स, जो पेट दर्द होता है, उसमें बहुत लाभकारी है। तो इसे आपको कैसे यूज़ करना है, आपको रात भर जो मेथी दाने हैं, जो उसकी सीड्स है, बीज है, उसे भिगोकर रखना है। एक टीस्पून आपको लेना है और इसे भिगोकर रखना है। मॉर्निंग में इसकी बीज निकाल लेनी है और इसका पानी आपको खाली पेट पी लेना है। मेथी दाना या फेनुग्रीक सीड्स स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छी होती है। आप मेथी दाने का हेयर मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हेयर्स को हेल्दी बनाने में मदद करता है, स्किन को एक्ने फ्री बनाता है और वेट लॉस में भी मदद करता है। तो बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है फेनुग्रीक सीड्स या मेथी, जो कि जो स्टमक एक्स होते हैं एसिडिटी इंडाइजेशन के कारण, उसको ट्रीट करने में मदद करता है। नाउ लास्ट, गुड़, यानी कि जैगरी। तो गुड़ आपको लेना चाहिए खाने के बाद, तो इससे डाइजेशन भी अच्छा होता है, साथ ही साथ इसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन का लेवल आपके ब्लड में मेंटेन रहता है। और हीमोग्लोबिन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लेडीज़ को खाना चाहिए। जैगरी गुड़ बहुत अच्छा होता है, खून की कमी को दूर करता है। तो ये मैंने बात करी कुछ इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ की, जो कि इंडाइजेशन में बहुत ही लाभकारी साबित हुई है। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कैसे रिजल्ट मिले इन्हें यूज़ करने के बाद। इसके अलावा आपको एसिडिटी अगर फ्रीक्वेंटली होती रहती है, बार बार होती है, तो आपको समझना होगा कि डाइट में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और आपको प्रॉपर ईटिंग हैबिट मेंटेन रखनी होगी। जैसे कि पानी पीने का समय, पानी आपको
खाने से आधे घंटे पहले लेना है, ठीक है। जो आप लंच करते हैं, मील खाते हैं, तो हाफ आवर बिफोर फूड आपको पानी लेना है, या फिर एक घंटे बाद मील के, ओके। या तो आधा घंटा पहले या तो एक घंटे बाद, जस्ट बाद नहीं पीना है आपको पानी। और सुबह सुबह गर्म पानी पीना है उठते से ही। इसके अलावा वॉक करना है खाना खाने के बाद, डायरेक्टली सोना नहीं है, लेटना नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडाइजेशन एंड हाउ टू ट्रीट इट इफेक्टिवली थ्रू होम रेमेडीज। आई होप यू लाइक द वीडियो। If you like the video, don't forget to like, subscribe to my channel. I am Dr. Prachi and thank you so much for watching.